बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूँ सिद्रा सती। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आवाम से बात करने के लिए बजट के हवाले से कि 2019 में पीटीआई की जानिब से पेश किया गया पहला बजट आवाम के लिए कितना हक में है और साबका हुकूमतों से इस बजट को वो किस तरह से देख रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए आज मैं लोगों के पास मौजूद हूँ। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साजिद महमूद। साजिद महमूद साहब, बताइएगा कि अभी जो पीटीआई ने बजट पेश किया है, उनका पहला बजट है, आपको एज ए आवाम क्या तवक्कात वाबस्ता थी? आपको लगता है कि जो बजट प्रेजेंट किया गया वो ठीक है या उसमें आवाम के लिए और भी बहुत कुछ होना चाहिए था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारे अकल के मुताबिक जो बजट उन्होंने पेश किया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अगर पीछे आप चले जाएँ, जो हुकूमतों ने पहले बजट पेश किए हैं उसे 30% इन्होंने इजाफा किया उसमें, ठीक है। ये तो जितने भी मुखालफीन हैं उनकी चाल होती है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, लेकिन जो बजट पेश हुआ है ये सब लोग जानते हैं, अवाम भी जानती है, जो अंदर पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं, ठीक है जी। जिस वक्त उन्होंने हुकूमतें छोड़ कर गए हैं, उन्होंने क्या दिया इनको, ठीक है जी। अगर उन्होंने बजट पेश किया है तो वो बड़ी मुश्किल से जितना कुछ उनके पास मतलब था वो उन्होंने किया है, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी दुआ भी है और उनसे हमारी उम्मीद भी है कि वो आगे हुकूमत करें। इमरान खान साहब इस वक्त जितने भी पहले हुकूमतें गई हैं या आने वाले जो लोग हैं, हम नहीं कहते हैं वो कौन आएंगे, लेकिन हमारे मुल्क के लिए सबसे बेस्टली जो हुक्मरान आया है वो इमरान खान है। मैं ये नहीं करता हूँ कि मैं उसको मदरा को लाइक कर रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज जो उनका निज़ाम मदरा के ना जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि साबका हुकूमतों ने अपने जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो ज़्यादा बढ़ाए हुए थे, इसमें इमरान खान आपको लगता है कि उन्होंने आवाम के लिए मुख्तसस किया है? मुख्तसस किया, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये सब लोग जानते हैं। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी दुआ है कि ये बंदा 5 साल अपना टेन्योर पूरा करे और हमें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, आप ऐसे आवाम चाहते हैं कि वो 5 साल जो है पूरा करें, क्योंकि आवाम का मैंडेट है, उनको सेलेक्ट किया गया? बिल्कुल, कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? महमूद नाम। महमूद, ये बताइएगा कि इस हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, पहला बजट है पीटीआई गवर्नमेंट का और साबका गवर्नमेंट से जो बजट पेश किए हैं, आपको क्या लगता है इस बजट में उसने आवाम को कितना मद्देनज़र रखा है? मैडम, अब ये है कि चीज़ें तो तकरीबन हर चीज़ महंगी हुई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तकरीबन पहले भी बजट होते रहे लेकिन इस दफ़ा तो महंगाई ने हद ही कर दी, ख़ास तौर के हमारा जैसे मतलब मैं टैक्सी चलाने वाला बंदा हूँ तो काफ़ी परेशानी, हर चीज़ यानी कि चीनी ले ले, आटा, हर चीज़ यानी कि काफ़ी प्राइस ऊपर चलेगी। अच्छा। तो देखें, अब के हिसाब से आपको नहीं लगता कि जो बजट उन्होंने पेश किया है, मतलब बहुत सारे बेशतर लोग ये कह रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है उसमें आवाम को बहुत मद्देनज़र रखा है, आप बीइंग अ कंज्यूमर आप क्या कहते हैं कि चीज़ें तो महंगी हुई हैं लेकिन बजट ठीक पेश हुआ है या कुछ नुक्स हैं उसमें? नहीं मैडम, मैं तो खुद इस चीज़ को नहीं मुतमैन नहीं हूँ इस पर, वैसे थी मतलब है कि बजट बस उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको करना था वो कर लिया। आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? हमारे हिसाब से अब पेट्रोल की कीमत 114 रुपये हुए, हम सारा दिन टैक्सी चलाते हैं, हमें तो इससे मतलब है कि सरोकार है ना, कि अगर पहले मतलब है मैं 800 या 700 का पेट्रोल डलवाता था पूरा दिन निकल, आज 1500 रुपये का मैं पेट्रोल डलवाता हूँ तो पूरा दिन, तो मेरा तो 500 किरायों में जो इजाफा फिर आपने उस हिसाब से नहीं किया? कस्टमर लड़ते हैं मैडम हमारे साथ, अगर हम सवारी से किराया डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं जी किस बात के दे, नहीं दूसरी से भेजेंगे, वो करीम भी चल रही है, ओबर भी चल रही है, तो काफ़ी यानी कि परेशानी है आम आवाम के लिए। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? बस ये हमारे आवाम के ऊपर थोड़ा सा रहम करें और कम से कम हमारे जैसे तबके लोगों के लिए सोचें कुछ थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि बहुत महंगाई के हालात बहुत हद से ज़्यादा निकल गई है, तो हम लोग तो यानी कि एक छुट्टी भी नहीं कर सकते, वो ना बच्चों को टाइम दे सकते हैं ना घर में एक छुट्टी, इतना यानी कि एक परेशानी बनी हुई है, तो बस यही है मैडम। बाकी बड़े सुन रहे हैं हुक्मरान, तो उनको यही है कि जी आम आवाम के लिए सोचें, ठीक है जो पैसे वाले लोग हैं वो तो कर जाते हैं मैनेज, लेकिन हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सो मेरे साथ मौजूद हैं फाउंडिंग चेयरमैन ब्लू एरिया चौधरी फुरकान साहब, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि बजट ने आखिर बींग अ बिजनेस मैन इनको कितना इफेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फुरकान साहब, बताइएगा कि आपको
बजट ने जो है कितना इफेक्ट किया है, मार्केट में आप बैठे हुए हैं और इस बजट ने, इस हालिया बजट ने कितना इम्पैक्ट डाला है आप लोगों पे? जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि बजट तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो रिसेंटली जो 6-7 महीने से प्रॉब्लम्स आ रही है ना मार्केट्स के अंदर, वो डॉलर की वजह से आ रही है। किसी भी मुल्क में आप देख लें इतनी जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं होती डॉलर्स की। अब जो बाइंग जो चीज़ आप लेकर लेने जा रहे हैं, लेने आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जो क्लाइंट है मार्केट के अंदर आ रहा है, उसने काम वो नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा उसके पता ही नहीं है कि रेट, और जब एक चीज़ का रेट 10,000 है तो पता चलता है नेक्स्ट डे वो रेट जो है ना 11,000 रुपये पर चला जाता है या 12,000 पे, और उसकी सैलरी जो है वो उसी तरह उसी जगह पे खड़ी है। और सरकारी जो लोग हैं जिनकी सरकार ने अपना बढ़ाई हैं, अपना उसकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन उससे उनको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जो महंगाई हो चुकी हुई है वो उसके बिल्कुल मीट नहीं कर रही, वो बैलेंस उसमें बैलेंस नहीं है। महंगाई की हो गई ना फरकान साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो अभी बजट सिर्फ मतलब पेश किया गया है, जिस पर अभी भी अपोजिशन और वगैरह दूसरी जो जमातें हैं वो राज़ी नहीं हुई हैं, उसने मतलब अभी आया नहीं है, अभी सिर्फ उसकी बात हुई है, उसको आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि आम आवाम के लिए, एक आम बिजनेस मैन के लिए कितना रिलीफ रखा गया है उसमें? रिलीफ तो देखें उसमें ऑलरेडी जो उन्होंने नीचे वाले तबके को तंग नहीं किया, वो बेसिकली इस बजट के अंदर ऊपर वाले तबके को तंग किया गया। तो महंगाई की जो पेट्रोल, फिर मैं उसी चीज़ पे आ जाऊँगा कि बजट तो आ गया, लेकिन जो महंगाई है, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो अपना आपकी डॉलर्स की फ्लक्चुएशंस है, ये बड़ा मैटर करती है मार्केट के ऊपर। बजट तो अब मैं मिसाल के तौर पर मैं एक बजट तो दे देता हूँ, मैं आपको बड़ा अच्छा बजट दे देता हूँ, लेकिन जब इन चीज़ों पर ही कंट्रोल नहीं होगा तो वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। साबका हुकूमतों से अगर आप मुवाजना करें पीटीआई का, तो आप समझते हैं कि साबका हुकूमतों ने बिजनेसमैन के लिए जो है वो अच्छा लाया अमल तैयार किया हुआ था, जबकि इस गवर्नमेंट ने जो है वो उस तरह से नहीं साथ दिया? नहीं, गवर्नमेंट देखें जी, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, ये मुश्किल तो हमारे लोगों के लिए है, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छी है। जो पिछली माजी में जो दो गवर्नमेंटों ने काम किया है, उन्होंने वक्ती तौर पर लोगों को रिलीफ तो दिया है, मतलब कर्जे तो ले लिए उन्होंने। कर्जे लेने के बाद आम आदमी को ये नहीं पता कि उसके ऊपर बोझ क्या पड़ना है, वो बोझ आज आके हम लोगों पे पड़ रहा है और हमें पता चल रहा है कि मुश्किल है। एक ये टाइम था कि इस दुकान के अंदर, हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो दुकान में टाइम था कि खाने को टाइम नहीं मिलता था। अभी यह कि हम फारिग बैठे हुए हैं, बिजली लदा चल रही है, उसका बिजली का बिल एक्स्ट्रा आ रहे हैं, गैसेज के बिजली एक्स्ट्रा आ रहे हैं, फिर उसके अलावा जो आम बायर है ना ख़रीदने वाला, वो नहीं है, वो नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि वो उसके पास पैसा या नहीं है, ये शॉर्टेज होगी या महंगाई की वजह से उसके पास उसकी जो बजट है लेवल बाइंग पावर खत्म हो चुकी हुई है। तो मेरी जो है, और उसके अलावा जो अभी नेक्स्ट जो अभी मुझे नज़र जो आ रहा है ना मार्केट के अंदर आने वाला जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कानून किरायेदारी की वजह से बहुत डिस्टर्ब होगा। वो ये है कि मालिक अब चाह रहा है कि मेरा किराया बढ़े, क्योंकि उसका वो सब कह रहे हैं मुझे महंगाई हो चुकी है तो किराया बढ़ाएं। अब दुकानदार की वो इनकम नहीं रही कि वो उसको पूरा कर सके। अब एक दुकानदार है, वो उस दुकान के अंदर उसके पास 4 एम्प्लॉय हैं, बिजली का बिल है, बहुत सारे और मसले मसाइल्स हैं, रेंट का भी अगर उसके ऊपर ओवरलोड पड़ गया तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा फिर ये जो कोर्ट के अंदर कानून है ट्रेडर्स के लिए, मतलब हुकूमत का ये कहना है कि अभी चूँकि थोड़ा बुरा वक्त देखने को मिलेगा, उसके बाद हुकूमत के लिए जो सॉरी आवाम के लिए जो है वो सुकून है। तो आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत प्लान कर रही है, यानी अगर वक्ती तौर पे मुश्किलात देखने को मिल रही हैं और फ्यूचर में आपके लिए आराम है, तो क्या इस आराम की कॉस्ट ये ठीक है, मतलब अभी जो आप लोग तंगी देख रहे हैं? आपकी बात जो आप सवाल है, मैं इसको बिल्कुल सेकंड करता हूँ। ये आने वाला जो वक्त है ना पाकिस्तान के लिए बड़ा फेवरेटेबल, दुनिया से ज़्यादा फेवरेटेबल वो है अपना ये इलाका होगा। और ये जो आपकी हम जो कहते हैं ना, अभी जो दुरुस्त कर रहे हैं, ये गंद को दुरुस्त कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। हम उसको सर्वम कहते हैं ठीक है जी, एक दफ़ा दुरुस्त हो जाए, हर चीज़ लाइन में आ जाए, चेक एंड बैलेंस लेवल में हो, तरीके से हो, तो हमें काम करने में भी अच्छा लगेगा और वक्त भी अच्छा गुजरेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जो है ये इसको आगे 1 साल 6 महीने 8 महीने हमारे लिए मुश्किल हैं, लेकिन आने वाला फ्यूचर जो ठीक होगा इसमें। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खालिद। अब्दुल्ला खालिद, क्या करते हो आप? एमफिल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गाजी यूनिवर्सिटी। अब्दुल्ला, ये बताओ कि क्या समझते हो कि पीटीआई जो गवर्नमेंट है वो कहा जाता है कि यूथ की गवर्नमेंट है, और उसने जो इस बार बजट प्रेजेंट किया है, आपको लगता है कि वो आवाम के हक में है, कि आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखें, बजट तो पेश होते आए हैं एंड अभी भी बजट जो पेश हुआ है तो इन्फ्लेशन वाज एक्सपेक्टेड टू रेज अप,
But I mean, the expectations which people had from the government, they are not getting fulfilled. That I will say, okay, they are not getting fulfilled. I mean, there is a hike, price hike, I mean, in energy. If you see the fuel, I mean, if you see the fuel, I mean, there is the price hike. So if you are saying, okay, I mean, they have, I mean, fulfilled the expectation of the people, I mean, I'm sorry to say this, they haven't fulfilled that. कोई सजेशन देना चाह रहे हो गवर्नमेंट को, कुछ आप एडवाइस करना चाहो? आई मीन एज अ स्टूडेंट आई विल से के आई मीन जस्ट इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन एंड आई थिंक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर दिस इमरान खान ही इज़ वेरी कीन इन दिस इन इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन तो ही इज़ ऑलरेडी डूइंग दैट तो आई मीन लेट द प्रोफेशनल्स डू देयर जॉब दैट आई विल से तो वो ऑलरेडी कर तो रहे हैं तो माय एडवाइस वाज के जस्ट बी आई मीन गिव अ लिटिल मोर इंटरेस्ट. आप चाह रहे हैं कि ज्यादा दें, ज्यादा जो है वो मुख्तसस किया जाए बजट? यस आई मीन यू कैन से दिस के जस्ट कीप एजुकेशन इन योर माइंडसेट आई मीन इन योर प्रायोरिटीज. यस आई मीन इफ यू वांट योर यूथ टू मेक प्रोग्रेस एंड इफ यू वांट योर यूथ टू बी इंक्लूडेड अमंग द टॉप आई मीन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड तो यस यू शुड कीप दिस एजुकेशन इन योर प्रायोरिटीज. यस दिस आई विल से दिस. थैंक यू सो मच. जी नाज़रीन, हमने यहाँ पर लोगों से बात की और लोगों का यही कहना था कि इमरान खान का मिशन जो है वो काफ़ी क्लियर है और साबका हुकूमतों की नस्बत अगर देखा जाए तो इस हुकूमत ने जो अपना विज़न पेश किया है वो अवाम के लिए है. थोड़ी तकलीफ़ें अभी देखने को मिली हैं लेकिन उन्हें यकीन है कि आइंदा उनका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है और हुकूमत की तरफ से लिए गए जो टफ़ डिसीजंस हैं वो आइंदा फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देंगे. इसी के साथ मैं सिद्रा सत्ती इनसाइट से चाहती हूँ इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.